जनता के लिए कुछ फैसले लिए हैं। सबसे पहले नया साल जब शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी ने यह तय किया था, उस नए साल पर पहला संकल्प था कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ किसान के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। फिर लैपटॉप को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि जिस तरीके से पूर्व में समाजवादी पार्टी ने बच्चों को पढ़ने के लिए, जो आगे की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, उनको लैपटॉप से मदद करने के लिए लैपटॉप दिया जाएगा, और वो स्कीम ऐतिहासिक स्कीम थी। बड़े पैमाने पर नौजवानों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ रहे थे उन्हें लैपटॉप दिया गया था। और आज भी इतने वर्षों के बाद जब हम लोग गांव में जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं, तो वो लैपटॉप देखने को मिलता है। आज जब 22 तारीख है और समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा 22 में बाइसिकल, नौकरी रोजगार संकल्प श्रृंखला में प्रथम संकल्प आईटी सेक्टर में, ये अभी सरकारी नौकरियों में कितने रिक्त पद हैं, पुलिस में कितनी भर्ती हो सकती है, वन विभाग में कितनी हो सकती है, या और जगह सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी गैर सरकारी और कितनी नौकरियां आएंगी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं और सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, केवल आज आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला ये है आईटी सेक्टर में कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए सरकार काम करेगी।